नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको दिखा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स और उनके सेक्टर्स की लोकेशन और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जिनको मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के अंदर एड्रेस करूं, जैसे कि कौन सा पॉकेट बढ़िया है और किस पॉकेट में क्या एडवांटेज है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे दोस्तों। तो ये जो मैंने आज आपको दिखा रखा है, ये यमुना एक्सप्रेसवे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये यमुना एक्सप्रेसवे है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2009 की स्कीम के प्लॉट्स के बारे में। और दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 2009 में ये प्लॉट्स दो सेक्टर्स में लॉन्च हुए थे, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है इस नक्शे को बनाने की, एक्यूरेट नहीं है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं और ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, तो मैं कोई क्लेम नहीं करता, सिर्फ अपने क्लाइंट्स को कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो हम काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ के वीडियो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आते हैं, और तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, प्लॉट्स खरीदने वाले हैं, अपार्टमेंट खरीदने वाले हैं, तो हमारे काफ़ी सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आने वाले जो हॉट वीडियोज़ हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। तो दोस्तों, अगर आप थैंक्स बोलना चाहें तो आप लाइक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो प्लॉट्स हैं 2009 के प्लॉट्स हैं, अभी हम इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये यमुना एक्सप्रेसवे है और ये हमारा सेक्टर 20 बनाने की कोशिश की है मैंने, और ये हमारा सेक्टर 18 है, 18 सेक्टर है। अब सबसे बढ़िया जो तरीका इन दोनों सेक्टर्स को समझने का है वो ये है कि ये हमारे यमुना एक्सप्रेसवे पर हमारा सेक्टर 9 का गौर और जेपी का लैंड है, ये सेक्टर 19 है। तो सबसे बड़ा जो लैंडमार्क है वो आपको दिख गया होगा, गौर यमुना सिटी बिल्कुल किनारे पे यमुना एक्सप्रेसवे से दिखता है, कृष्ण जी की मूर्ति वहाँ पे बन रही है, तो वो उसका एक लैंडमार्क हो जाता है, ये सेक्टर 19 है। इससे थोड़ा सा आगे चलते ही हमारा एक 100 मीटर की रोड आती है और ये जो रोड है ये बेसिकली डिवाइड करती है सेक्टर 20 को और सेक्टर 18 को। तो दोस्तों, ये जो रोड है यही इसकी बेसिक बैकबोन है इन दोनों सेक्टर्स की। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रिंग रोड है, ये जो रिंग रोड है ये यमुना एक्सप्रेसवे जो सिटी बन रहा है पूरे सिटी की रिंग रोड है, और ये सेक्टर 18 और 20 को भी टच करती है, प्लस दूसरे जो सेक्टर्स हैं पूरे यमुना शहर का। अगर आप बड़ा मैप देखें तो ये रिंग रोड आपको एक रेक्टेंगुलर वे में दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये जो 100 मीटर रोड है ये मेन रोड है, राइट में आपका सेक्टर 20 है और लेफ्ट में सेक्टर 18 है। कुछ पॉकेट्स इस 100 मीटर रोड पे जो लगे हुए पॉकेट्स हैं वो हमारे प्रीमियम पॉकेट्स माने जाते हैं। तो दोस्तों, हम वन बाय वन पॉकेट्स की बात करेंगे आपसे। और इसमें अब जो मोस्टली क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं लोग, कभी फ़ोन भी करते हैं और कॉमेंट्स में भी पूछते हैं कि सबसे बढ़िया पॉकेट कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें मेरा जवाब है कि सबसे बढ़िया पॉकेट हमारा आ जाता है 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स का, पॉकेट ए, ये सबसे बढ़िया पॉकेट है। क्यों है? क्योंकि ये 100 मीटर रोड से भी कनेक्टेड है और ये हमारा जो 100 मीटर सर्विस रोड है यमुना एक्सप्रेसवे की उससे भी कनेक्टेड है, बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो बड़े प्लॉट्स हैं इसलिए सबसे बढ़िया है। और उसके बाद पॉकेट बी है हमारा, पॉकेट बी में भी यही है कि ये सर्विस रोड के ऊपर है और इसमें 2000 मीटर के प्लॉट्स हैं, तो ये भी पॉकेट बहुत बढ़िया है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी चौड़ी 60 मीटर वाइड रोड है, तो इस रोड पे भी जो पॉकेट्स पड़ते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारे 1000 मीटर के तीन पॉकेट आ जाते हैं, सी, डी और ई। अब ई पॉकेट की बात करें तो ये 100 मीटर रोड पे है, वैसे ही सी और डी हमारे 60 मीटर रोड के ऊपर हैं, तो ये दोनों पॉकेट भी बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर हम एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की बात करें तो पॉकेट बी एयरपोर्ट के नियरेस्ट है, तो ये जो पॉकेट बी, सी और टी जो हैं ये बहुत बढ़िया पॉकेट हैं, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस लगभग 10 से 12 किलोमीटर ही रह जाता है।
यहाँ आते आते कम से कम भी ये डिस्टेंस आपका 2.5 से 3 किलोमीटर है बी से सी तक, और यहाँ पे आते आते आपका एयरपोर्ट का डिस्टेंस लगभग 15 से 16 किलोमीटर हो जाता है अगर सेंटर में आप आते हैं, और अगर आप यहाँ पे आई जे में और यहाँ जाते हैं तो ये डिस्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो अभी हम ए बी सी डी ई इन पॉकेट के बारे में बता चुके हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में आपको बता चुके हैं। आप यही ध्यान रखिए कि 100 मीटर रोड है, ये बहुत अच्छी बनने वाली है। अब लोग पूछते हैं कि छोटे प्लॉट्स में जैसे कि 300 मीटर में कौन से पॉकेट बढ़िया हैं। तो दोस्तों इसके लोगों के अपने अपने अपनी अपनी राय है, मेरी राय मोस्टली लोगों की वो राय है जो वो कन्विंस होते हैं, और उनकी भी राय यही है जो मेरी है। तो मोस्टली लोगों का मानना ये है कि आज की डेट में जो सबसे बढ़िया पॉकेट है वो नियरेस्ट जो 300 मीटर के प्लॉट आते हैं वो पॉकेट 2 और पॉकेट 3 के आते हैं, 2C, 2A, ऐसे ही 3B, 3A, ये जो पॉकेट्स हैं ये नियरेस्ट हैं यमुना एक्सप्रेसवे के, प्लस ये क्लोजेस्ट हैं 100 मीटर रोड के ऊपर। इसी तरह जो 4A है वो भी 100 मीटर रोड पे है, 5D है वो भी टच करता है, तो ये 100 मीटर रोड पे ये कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में आज हमने जब ये वीडियो अपलोड किया है सितंबर 2020 में, तो ये डेवलप्ड पॉकेट हैं, बहुत अच्छे डेवलप हो चुके हैं। इसी तरह जो और भी है आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो आई और जे की है। आई और जे की डिमांड क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह डेवलप हो चुके हैं। आज अगर इन पॉकेट्स में आप जाके देखेंगे तो इतना बढ़िया काम हो गया है कि कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो हमारे पास भी जो प्लॉट्स की डिमांड आती है वो सबसे ज़्यादा आई और जे के ही आती है, फिर 2 और 3 की आती है, और बाकी जो हमारे सेक्टर 20 के पॉकेट हैं एफ जी एच इनकी आती है। मैं स्पेशली 300 मीटर के प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों 1000 मीटर में तो तीनों ही पॉकेट में डिमांड आती रहती है, मोस्टली आपको ई और डी में डिमांड आती है। सी में अभी क्योंकि डेवलपमेंट अभी स्लो चल रहा है तो इसलिए सी की डिमांड अभी नहीं आती, ई और डी में क्योंकि डेवलपमेंट फास्ट हो गया है। हमने कुछ वीडियो भी डाले हैं जिसके अंदर हमने पॉकेट ई और डी के 1000 मीटर के प्लॉट्स दिखाए हैं। ऐसे ही हमने एक वीडियो पॉकेट ए के ऊपर स्पेशली बनाया है और एक अलग से वीडियो पॉकेट बी के ऊपर बनाया है। आप YouTube में जो हमारे चैनल का पेज का नाम है GR नोएडा प्रॉपर्टी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा YouTube पे पूरा पेज दिख जाएगा, उस पर हमारे अपलोडेड वीडियोज़ दिख जाएंगे, वहाँ से आप हमारे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा था कि कौन से पॉकेट बढ़िया माने जाते हैं। अब हम कनेक्टिविटी की और दूसरी बातें भी करेंगे। हम चलते हैं इसमें पॉकेट 2 और 3 के बाद सेक्टर 20 में आज की डेट में भी और फ्यूचर में भी पॉकेट एफ जी एच बढ़िया होने वाले हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू पॉकेट 2 और 3 में बहुत कम हुआ है। 2 और 3 की आज की डेट में डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि जो चीज़ डिलीवर हो गई है और जो चीज़ रेडी है, जो देखने में अच्छी लगती है, उसकी उसमें रिस्क भी बहुत कम है, तो वो चीज़ ज़्यादा बिकती है। दूसरा, इसमें रजिस्टर्ड प्लॉट्स ज़्यादा हैं और रजिस्टर्ड प्लॉट्स पे लोन मिलता है, और मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो लोन वाले हैं। हर एक आदमी के पास 40-50 लाख रुपए नहीं होता, तो मोस्टली जो लोग हैं वो बैंक फंडिंग की हेल्प लेते हैं, बैंक फाइनेंस की हेल्प लेते हैं। इसी वजह से जो रजिस्टर्ड प्लॉट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप ये मानिए कि 10 में से 8 कस्टमर बैंक लोन मांगते हैं और उन्हें रजिस्टर्ड प्लॉट ही चलता है, और रजिस्टर्ड प्लॉट बहुत कम है, इस वजह से रजिस्टर्ड प्लॉट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब हम आईजे की बात करते हैं, तो आईजे इधर से हमारे रिंग रोड पे कनेक्टेड हैं। आईजे की डिमांड क्यों ज़्यादा है दोस्तों, एक तो फुली डेवलप हो गए हैं, इन प्लॉट्स को देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी लग गई हैं, रोड भी बन गए हैं, पूरा डिमार्केशन भी हो गया है, लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया है, फिर इनकी कनेक्टिविटी भी, इधर रिंग रोड से भी कनेक्टिविटी है और यमुना एक्सप्रेसवे से भी हमारा रास्ता जाता है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो आईजे को कनेक्ट करता है, तो इस वजह से आईजे में बहुत ज़्यादा डिमांड है आज की डेट में। अगर हम दूसरे पॉकेट्स की बात करें 7C, 7D, 7E, तो ये पॉकेट्स भी हमारे रिंग रोड को टच करते हैं और इन पॉकेट्स की भी आने वाले टाइम में बहुत डिमांड रहेगी।
तो मोस्टली हम जो ये बात कर रहे हैं दोस्तों, दोबारा बता दूं, ये हम 2009 की स्कीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर कुछ पॉकेट्स में न्यू अलॉटमेंट्स हुई हैं छोटे प्लॉट्स की, तो उनमें लॉकिंग है, उनमें हम ट्रांसफर नहीं हो सकता अभी रजिस्ट्री से पहले, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम रीसेल मार्केट में हैं और हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको 4,000 के बारे में बताया, 2,000 और 1,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के बारे में बताया, और लगभग 300 मीटर के प्लॉट्स के बारे में भी इस इधर सारा हमने बता दिया है। अब हम आपको इस वाले में बता रहे हैं, ये जो हमारा कैनाल का रोड है, ये भी काफी वाइड रोड है, और इसके किनारे वाले पॉकेट्स की अभी डिमांड कम है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पॉकेट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। दूसरा, जो रिंग रोड को टच करते हैं LN और P, क्योंकि अभी दिखने में वहां जंगल सा लगता है, लेकिन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉकेट्स भी बहुत अच्छे हैं, और इनके सामने बिल्कुल इंडस्ट्रियल पड़ता है, जो इस मैप में मैंने नहीं दिखा रखा, पॉकेट 15 जो है वो, और इस तरफ राइट में पॉकेट 21 है, वो भी इंडस्ट्रियल है, पॉकेट 15, 15A, 15B, 15C ये भी हैं पॉकेट, इस तरफ इसके बिल्कुल अपोजिट में पड़ते हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। अगर कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो यहाँ से हमारा 60 मीटर रोड है QR और S, ये वाले, ये 500 मीटर के जो पॉकेट्स हैं, ये भी बहुत अच्छी लोकेशन के हैं। कभी कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि 300 मीटर और 500 मीटर में क्या बेस्ट रहेगा, तो मैं उसे 500 मीटर ही रिकमेंड करता हूँ। वो क्यों? क्योंकि 500 मीटर के जो ये प्लॉट्स हैं, इनका एयरपोर्ट से डिस्टेंस 10 से 12 है, ये एक्सट्रीम राइट में है और एयरपोर्ट के नियरेस्ट हैं, यहाँ से कनेक्ट करके बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से वो एयरपोर्ट का रास्ता है, उधर से रिंग रोड से टच करके भी उनका रास्ता है। दूसरा, यहाँ से और यहाँ आने में ही आपका जो डिस्टेंस है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर बढ़ जाता है। अगर एयरपोर्ट का डिस्टेंस यहाँ से आपका 10 से 12 किलोमीटर रहेगा, तो वहाँ पे 15 से 17 किलोमीटर रहेगा। इसी तरह IJ के वहाँ पे आने में वो डिस्टेंस आपका कम से कम भी 20 से 21 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है दोस्तों। तो अभी हम 500 मीटर के पॉकेट्स की बात कर रहे थे, तो 500 मीटर के जो चार पॉकेट हैं RSTU, इनमें 500 मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो बहुत बढ़िया लोकेशन में है। अगर किसी को लगता है कि वो 300 मीटर से 500 मीटर में जा सकता है, तो उसे जाना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ये जो पॉकेट्स हैं 500 मीटर के, बहुत बढ़िया पॉकेट्स हैं, वाइड रोड्स भी। आपको बड़े पॉकेट्स में एक खास बात मिलेगी, जैसे 4,000 और 2,000 A और B पॉकेट हैं, उसमें सारे ही रोड 24 मीटर के हैं। ऐसी जो 1,000 मीटर वाले जो पॉकेट्स हैं CDE, उसमें जो मिनिमम रोड साइज है वो 18 मीटर है। जो A और B है, इसमें 45 मीटर रोड पे भी प्लॉट्स हैं, 60 मीटर पे भी हैं, लेकिन मिनिमम 24 मीटर पे है। ऐसी बड़े प्लॉट्स में, इसमें जो 1,000 है, तो इसमें मिनिमम जो रोड साइज है वो 18 मीटर है। वैसे 24 मीटर पे भी है, 45 पे भी है, 60 मीटर पे भी है, वो अलग बात है। ऐसी 500 मीटर में हम जाते हैं, तो मैक्सिमम जो रोड है वो 18 मीटर की है, तो ये 500 मीटर के पॉकेट्स भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अब हम और आपको जो बता रहे हैं वो 500 हमने कवर कर दिया। जो 300 मीटर के जो प्लॉट्स हैं, उसमें हमारे बच जाते हैं KML। के पॉकेट की लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जो आपको टच करता है वो 100 मीटर रोड से टच करता है, साथ में वो कैनाल रोड से टच करता है, उधर रिंग रोड के भी नज़दीक है, बीच में आपका एल आता है, LNM, ये सारे हमारे 300 मीटर के पॉकेट हैं, तो इनके बारे में अब मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी कुछ कवर कर चुका हूँ इसमें, लगभग सारे पॉकेट्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता चुका हूँ, रोड्स के बारे में बता चुका हूँ। रिंग रोड कनेक्ट करता है हमारा, एक ये रोड है जो IJ को जाता है, 100 मीटर रोड है ये मेन रोड है आपका, और ये 60 मीटर रोड जो है ये ऊपर से QR को जाता कनेक्ट करता है, ये भी ऊपर जाके रिंग रोड को कनेक्ट करता है। फिर साइड में हमारा जो RSTU को जो रोड कनेक्ट करता है, वो भी बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या हमारे 2009 के प्लॉट्स हैं, कैसे कैसे डिफरेंट पॉकेट्स में बटे हुए हैं। कुछ पॉकेट्स मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, समय की वजह से कवर नहीं किए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कॉमेंट्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सभी कॉमेंट्स का हम जवाब दें, तो आपके रिलेवेंट कमेंट्स का हम जरूर जवाब देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं तो हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और रीसेल क्वेरीज के लिए अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं 300 मीटर 500 मीटर, तो हमें दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में हम पास्ट 10 ईयर्स से रीसेल का काम कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया इन्वेंट्री हमारे पास है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।